My name is Shahbaz Sheikh and you are watching my channel Popeye the Biker. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon the street. Under the sun, the sun will pop the clock to feed himself and family. So guys, मैं जा रहा हूँ बजाज एग्जीक्यूटिव बजाज के सर्विस सेंटर में विच इज़ इन मलाड और मैं मेरी बाइक की सेकेंड सर्विस के लिए जा रहा हूँ और को मैं बताऊँगा कि सेकेंड सर्विस के लिए क्या क्या कॉस्ट आते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो चेंज करना पड़ता है एंड मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए लगे अप्रॉक्स 1 आवर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वो रोड पर. मेरी बाइक में एक्चुअली जब ट्रांसपोर्ट से आई थी यहाँ पे उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे क्योंकि मुझे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अभी बाइक में, तो मैं वाइब्रेशन फिक्स करना है मुझे. प्लस मेरे जो चेंज पॉकेट है वो चेंज पॉकेट का जो बेयरिंग आता है, बेयरिंग प्लस द रबर, वो दोनों चीज़ मुझे रिप्लेस करना है बिकॉज चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है मेरा. और वो करने के बाद फिर जो बेसिक सर्विस है वो, प्लस मैंने 3M का टेफ्लॉन कोटिंग का भी मैंने पैकेज लिया था जो 3 सर्विस में मुझे वो लोग डिवाइड करने वाले थे 3 टाइम में. तो एक फर्स्ट सर्विस तो मेरी हो चुकी है, उसका मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ. अब सेकेंड सर्विस है तो सेकेंड सर्विस में वो लोग करेंगे. सो गाइस नाउ लेट्स लीव और बाइक पे मिलते हैं. So guys, it is 12:40 PM और मैं थोड़ा लेट हो गया यार. I called in the Bajaj service center at around 11 AM and they told me कि आज बाइक मिल जाएगी अगर आप जल्दी ला के देते हो तो. अभी इतना लेट हो गया, अब मुझे पहुँचते पहुँचते वहाँ पर हो जाएगा 1:30 PM आई गेस. तो आई डाउट कि मुझे आज बाइक मिलेगी. मेरी चेन है ना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा चेन में प्ले आ गया है. तो आई आस्क्ड अ लोकल मैकेनिक ओवर हियर, तो ही सजेस्टेड मी टू चेंज द स्पॉकेट बेयरिंग और एक उसका रबर का कपलिंग आता है. सो ये दो चीज़ मैं चेंज कर दूँगा तो एटलीस्ट वो चेन का जो वॉइस है वो नहीं आएगा. आई डोंट नो यार इतना जल्दी कैसे ख़राब हो गया, मतलब 5,000 किलोमीटर चली है चेंज पॉकेट का और बेयरिंग ख़राब हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि स्पीति में थोड़ा गियर कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ता था तो उस वजह से, आई डोंट नो. अभी फ़िलहाल मेरे बाइक के किलोमीटर्स है 4888 और जब 4400 क्रॉस की थी बाइक व्हेन इट वाज इन स्पीति तभी मुझे सर्विस रिमाइंडर का जो नोटिफिकेशन है इसमें वो आ गया था. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Guys, I've reached in orbit. ये तो हाइपर सिटीज के आगे इन ऑर्बिट आता है. ये रहा लेफ्ट में इन ऑर्बिट, ये थोड़ा फ्री हो गया यार वरना इधर पे बाहर इधर तक का बैरिकेड जाते थे. ये ब्रिज का काम यहाँ पे थोड़ा फास्ट हुआ है तो जाके थोड़ा यहाँ पे फ्री हुआ, नहीं तो फिर यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक रहता था. ये मैं इन ऑर्बिट की सिग्नल पे, अभी आगे आता है एक सिग्नल, वहाँ से मुझे राइट लेना है, मतलब BMW का शोरूम आता है वहाँ पर. वन थिंग आई गेस इवन यू विल अग्री कि बजाज के ना आफ्टर सेल सर्विस इज नॉट एट ऑल गुड. अगर ये लोग ने आफ्टर सेल सर्विस अच्छा कर दिया ना तो हो सकता है सेलिंग और बढ़ जाए. बट सो गाइस ये है सर्विस सेंटर की लेन. अब आई होप ये जल्दी जल्दी बाइक करके दे दे यार. वहाँ पे सो
तो गाइस बाइक को छोड़ना पड़ा सर्विस सेंटर में और मैं रिक्शा पकड़ कर जा रहा हूँ अपने घर। सो गाइज इट्स डे टू दैट मीन्स ट्यूजडे। मैंने मंडे को मतलब कल मेरी बाइक सर्विस स्टेशन में छोड़ा था बजाज के और मैं अब जाऊँगा। इट्स ऑलमोस्ट 3:30 तो मैं मुझे वहाँ पर 4:30 को बुलाया है बाइक पिकअप करने। सो मेरे एक फ्रेंड आने वाले हैं उल्लासनगर से, उसका नाम है राजीव लेडवानी एंड वो है हमारे डोमिनो ग्रुप से और वो मेरे साथ में आने वाले हैं। उनको हेलमेट परचेज करना है तो हम लोग वो करके फिर आगे जाएंगे बजाज सर्विस स्टेशन पर और शायद आने के टाइम पे रिटर्न। हम लोग मैं जाने वाला हूँ कार से तो राजीव भी मेरे साथ होंगे और हम लोग जाएंगे कार से मलाड एग्जीक्यूटिव बजाज के सर्विस सेंटर में और रिटर्न में मैं ड्राइव करूँगा मेरी कार और राजीव चलाएंगे मेरी बाइक। लेट्स गो एंड मीट। सो गाइस आई वेंट टू द सर्विस स्टेशन टुक माई बाइक बट अभी मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड राजीव है जो डोमिनो ग्रुप से ही है, सो ही इज गोना राइड माय बाइक और वो चला रहा है एक्चुअली, मेरे से आगे ही है वो। दैट्स राजी और माय बाइक, उसने न्यू हेलमेट लिया है। सो गाइस वी गॉट द बाइक बैक, हियर इट इज, और सर्विस हो गई है बाइक, सेकंड सर्विस उसका हो गया है और मेरी बाइक अभी चली है टोटल 4900 किलोमीटर्स और ऑयल अभी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज द सर्विस एग्जीक्यूटिव सेड के बजाज का जो ऑयल है वो 10,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, तो जब अभी थर्ड सर्विस होगा उसमें मेरा ऑयल चेंज होगा। सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस हैव बीन डन टू माय बाइक। सो गाइस द फर्स्ट थिंग व्हिच हैज बीन चेंज्ड इज दिस रबर, जो इसका अंदर से रबर है वो रबर मेरा लूज़ हो गया था बिकॉज गति में ट्रांसपोर्ट में इसका रबर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और ये स्क्रू एक पूरा बाहर आ गया था, सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें वाइब्रेशन बहुत आता था तो ये रबर चेंज हो गया है तो अभी ये एकदम फिट हो गया है। द सेकेंड थिंग इज द बेयरिंग ओवर हियर, इसके वजह से एक्चुअली मेरी बाइक में चेन में बहुत आवाज़ आ रहा था, सो वो चेन पॉकेट का बेयरिंग है जो चेंज हुआ है दिस वन एंड एक और रबर है जो उसके अंदर साइड पे आता है, जो व्हील के अंदर साइड पे था, जो अंदर साइड रबर है आई गेस वो ये है अंदर साइड का, वो रबर भी चेंज हुआ है बिकॉज वो दोनों एक साथ चेंज करना पड़ता है, वो थोड़ा प्ले आ जाता है इसमें चेन पॉकेट में। सो गाइस ये दो छोटे छोटे काम थे जो मेरी बाइक में बाकी थे वो हो गए प्लस सर्विस भी हो गया है। सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई, दो चीज़ नहीं हुई एक्चुअली, जो थी प्रेशर वॉश क्योंकि उन बजाज के सर्विस सेंटर का जो था उसमें उनका सर्विस पंप जो है जो प्रेशर वॉश का जो पंप होता है वो ख़राब हो गया, सो बाय थर्सडे वो बनेगा, तो इसके लिए मैंने बोला नहीं है रोहन। और प्रेशर वॉश नहीं होने की वजह से मेरा जो पॉलिश था जो पेंट प्रोटेक्शन का पॉलिश वो एक्चुअली रुक गया, उन्होंने बोला कि जब तक वॉश अच्छे से नहीं होगी तब तक कि यू कैन नॉट डू द पॉलिश एज वेल, और बारिश में करके कोई मतलब नहीं है, तो वो जो पेंट प्रोटेक्शन का पॉलिश है वो मैं कराऊँगा डायरेक्टली थर्ड सर्विस में, तो वो दो चीज़ जो थी वो रह गई है, बाकी तो नॉर्मल जो बेसिक सर्विस था वो उन्होंने कर दिया। मेरा आगे का ब्रेक पैड चेंज हुआ है, जो डिस्क पैड सॉरी आगे का जो डिस्क पैड है वो चेंज हुआ है मेरा, पीछे का भी ब्रेक पैड चेंज हुआ है एंड जो टोटल एक्सपेंस मुझे आया मतलब जो चेन का स्पॉकेट का बेयरिंग प्लस जो रबर था वो प्लस फ्रंट एंड रेयर डिस्क पैड्स प्लस सर्विसिंग तो फ्री था लेबर, तो वो सब मिलाकर मेरा कुछ टोटल 1600 का बिल हुआ और ये था सेकेंड सर्विस का मेरा टोटल बिल। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।